सिस्टम है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको ठीक किया जाए, और तीन साल में हमने काफ़ी चीज़ें दुरुस्त की हैं जिनका मैं आपको खाका दे सकता हूं। तो तीन साल के बाद आज पहली बार वो सिस्टम ठीक हुआ और आज हमने वैसे इनिशिएटिव्स लिए जो हर कोई तबका है हमारे समाज का, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, यूथ हो, गरीब हो, मार्जिनलाइज्ड हो, सबके लिए कुछ ना कुछ पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन किया है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आई वुड कॉल दिस अ बजट विद अ कॉन्शियंस एंड अ बजट विच इज बेस्ड ऑन रियल प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड। मैंने इसका जिक्र अपने बजट में किया है कि टेक्निकली ये सबसे साउंड बजट है, वो एक प्रोफेशनल चीज़ है कि आपके नंबर्स बड़े दुरुस्त हैं, कोई हेरा फेरी नहीं है इस नंबर में, कहीं हमने मिस क्लासिफिकेशन नहीं किया है। तो तीन साल में बजट में जो सफाई करनी थी वो हो चुकी है और अब एक्सपेंडिचर को उन तबकों तक पहुंचाना, उन कामों में लगाना जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ग्राउंड पे, उनमें किया है हमने। तो सबसे पहले हमने ये किया है कि जितने भी हमारे साथ लोग काम करते हैं सरकार में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 4.5 लाख लोग हैं और सरकार चलाते भी यही हैं, काम करते हैं, और जिनने सरकार में पहले काम किया हो, तो 1.5 लाख पेंशनर्स जॉब है, उन्होंने भी एक वक्त में काम किया हुआ है, तो उनके लिए एक सीरीज ऑफ मेजर्स हैं कि सबसे पहला कि डीए हमने इस बार अनाउंस कर दिया है, जो 1 जुलाई 2017 से था वो आज हो गया। इसी तरह खदशात काफ़ी थे कि जो 7th पे कमीशन है मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। आज मैंने रिट्रेट किया, हालांकि पिछले बजट मैंने कहा था कि 1 अप्रैल 2018 से ये चालू होगा, मैंने आज फिर से इसमें वजाहत से कहा है ये होगा। तो ये एक काफ़ी अहम मेजर है, अगर आपको याद हो, आप जर्नलिस्ट से कवर करते रहते हैं सरकार को भी, कि आज तक कभी भी एजिटेशन के बगैर पे कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस बार आप देखिए, ना कोई एजिटेशन हुई, ना कोई डिमांड हुई, अपने तरीके से हो गया। डीए देने के लिए यहाँ पे एजिटेशन होती थी, पानी के कैनल चलते थे, मुलाजिम हड़ताल में जाते थे। तो अगर आप देखें पिछले 3 साल में, ना कहीं हड़ताल, ना कहीं डिमांड इसकी हुई, अपने वक्त पे डीए मिला, पे कमीशन था। और ये भी मालूम कि उसे बात की थी हमने, क्योंकि जो हमने बहुत एक अहम फैसला लिया है इस साल जिसकी काफ़ी बड़ी फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस भी हैं, कि हमने तकरीबन 1,09,000 लोगों का रेगुलर एंगेजमेंट के लिए प्रोविजन किया हुआ है, उसमें अब उस पर सिस्टम चालू होगा, रूट मैप दिया हमने। तो मैंने एम्प्लॉय से उसको बात भी की थी कि ये एक बहुत बड़ा सोशल मुद्दा बन रहा है, कि जहाँ पे उस वक्त एस्टिमेट 60,000 का था, अब चूँकि हमने उसका एम्बिट वाइडन किया है, तकरीबन 1,09,000 का हुआ है या 1,10,000 का हुआ है, तो ये एक सोशल इशू बन रहा है कि 20 साल से कोई आदमी काम कर रहा है, उसको पता नहीं है कि सैलरी कब मिले, किस दिन मिले, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो एक ये सोशल प्रॉब्लम था, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम था, उसको एड्रेस किया। तो मैंने कहा मुझे ये करने दीजिए, उसके बाद में आपकी जो जायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी करूँगा, जिसमें डीए था या तो गर्ज एक वहाँ उनका भी कॉपरेशन बहुत ज़्यादा मिला। इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी की हैं जिनसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़माने में 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस हुआ करती थी, फिर 28 पे लाए, आज हम 22 को लाए इस पर टू क्वालिफाई फॉर पेंशंस। इसकी वजह ये है कि जब हमने रिक्रूटमेंट की एज तकरीबन 40 कर दी है अब, तो 33 साल पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी को। तो इसका ये नतीजा था कि पेंशन की के लिए वो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो फुल पेंशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। तो अब चूंकि हमने रिड्यूस एज की है 20 साल, तो अगर 40 की उम्र में कोई लगता है, जैसे हमारे रिक्रूटमेंट जो प्रोविजन है, तो 60 की उम्र में वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें थी कि अगर किसी की अनमैरिड डॉटर थी, उनको पेंशन नहीं मिलता था पेरेंट्स का, वो प्रोड्यूस किया है। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस उनको कर दिया है, 50 लाख रेज किया है। या फिर जो सबसे बड़ा अहम चीज़ ये है कि जो पूरी पूरे समाज के लिए हमने कोशिश की है कि एक चीज़ करें, कि ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस किया है सबका। पहले सिर्फ गैजेट का होता था, अब पूरे 4.5 लाख लोगों का हुआ है और 4.5 लोगों की फैमिलीज का हुआ है और 1.5 लाख पेंशनर्स का हुआ है। हालांकि इसमें देर लगी क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम बनाना है,
अगर आप देखें तो 10 दिन पहले लेबर मिनिस्टर के रोल में मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी इंश्योरेंस किया, और अब अगर आप आज के ऑब्जेक्ट में देखें तो बीपीएल इंश्योरेंस की बात हुई 1 लाख की। कोशिश हमारी ये है कि जिस तरह की जिंदगी हम यहाँ बसर करते हैं, इसमें कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर गिर के मर जाए या डिसेबल हो जाए, उसकी पूरी फैमिली जो है दैट गोज इनटू पॉवर्टी एंड पेनरी। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सेफ्टी नेट फॉर द एंटायर सिस्टम। तो अगर आप जोड़ें इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पेंशनर्स को, फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, फिर पीपीएल को, दिस इज लाइक 60-70 लाख पीपल आर बीइंग इंश्योर्ड। इज द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स कि किसी ने ऐसा सोचा भी है कि बेसिक सेफ्टी नेट आपका हो। और चूंकि यहाँ एक जोन ऐसा है जो बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है, फ्रेजाइल पीस है, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है, तो जब इंश्योरेंस आदमी को मिल जाता है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एक वेलफेयर स्टेट जाने की तरह हम कोशिश करें। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 5 लाख का था, 10 लाख किया हमने, और ये जो है इससे काफ़ी एक बदलाव आएगा। दूसरा जो जाति जिसमें बहुत खुश हूँ, मैंने असेंबली में भी कहा कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो हमारा समाज है, सबसे काबिल बच्चा जो आपका है उसको जो आप डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और इंजीनियर बनता है वो नौकरी करता है, फिर अगले 36 साल जेई की नौकरी में रहता है और AEE रिटायर हो जाता है। तो एक समाजी वैल्यू सिस्टम को सरकार में एक इतना ज़बरदस्त गैप है कि जो हमारा सबसे अच्छा लड़का है उसको सबसे, या लड़की है उसको सबसे बुरी तरह ट्रीट करते हैं। हम अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन कहीं नहीं है। तो आज पहली बार हमने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सबका जो है अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन किया है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल में आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी। तो इससे जो है एक मोटिवेशन लेवल जो काम करने की है वो बच जाएगी। एंड आई थिंक दैट दिस विल चेंज द नैरेटिव इन द स्टेट। एक सोशल डिसकंटेंटमेंट आया था पूरे समाज में कि क्या कर रहे हैं हम जिंदगी में। सबसे अच्छा लड़का था मैं, IIT से होके आया हूँ, REC में और पढ़ के आया हूँ, 90% मार्क्स थे, और आज 30 साल के बाद मैं AEE हूँ। हमने अब तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो दूसरा जो मैंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया जाए जिसमें कंटेनर्स, ट्रेन का इंटीग्रेटेड कंटेनराइजेशन हो, उससे फ्रेट कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो उसके लिए कदम ले चुके हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ दुबई वर्ल्ड के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, जॉइंट वेंचर जम्मू रीजन में कहीं पे हम देखेंगे एक सूटेबल जगह जहाँ पे एक ड्राई पोर्ट, एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक यूनिट सेटअप किया जाएगा। उससे जो है ड्रामेटिक चेंज होगा इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। स्टेट गवर्नमेंट का जो है कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जब बात हुई थी, जब GST में हुआ, सिर्फ JK के लिए नहीं, सब स्टेट्स के लिए, उसमें ये सबको मालूम था कि GST में लॉस होगा कुछ स्टेट्स का जो प्रोड्यूसर स्टेट्स होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और ये अंदेशा था कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, इनमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसमें ग्लिचेस काफ़ी आए, हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू भी उसमें हुआ।